इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू श्री मुकेश सिंह जी, अभी अभी एक वीडियो मैंने देखा है विक्रम रंधावा जी का। ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, एक्स लेजिस्लेटर भी हैं जम्मू कश्मीर। जिस किस्म की शब्दावली का इस्तेमाल विक्रम रंधावा जी ने किया है और जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के सेंटीमेंट्स को उन्होंने हर्ट किया है और पर्टिकुलरली हमारी माओं बहनों और हमारी बच्चियों के बारे में जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उसको मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। और दूसरी बात, उन्होंने नमाज और सड़कों पे कब्जा करना, इस किस्म के अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वीडियो में, और हमारी बहनों बच्चियों और औरतों को लोंडिया कहा है इन्होंने, इस किस्म की ये लीडरी करते हैं, इस किस्म की शब्दावली का ये इस्तेमाल करते हैं, ये एक हेट स्पीच है। आईजी साहब, आप जरूर इस वीडियो का संज्ञान लीजिए। सेक्शन 153A इंडियन पैनल कोड, ये इसलिए स्टैचू बुक में है कि कोई भी शख्स जो कम्युनिटीज में हेट्रेड क्रिएट करे, जो रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट करे, जो कम्युनिटीज के बीच में फसाद कराना चाहे, ये उस आदमी को डील करने के लिए सेक्शन 153A है। पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम से कहते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम की और खास तौर पर मुस्लिम समुदाय की जज्बात को बहुत बड़ा धक्का लगा है, ठेस पहुंची है। और ये वही विक्रम रंधावा जी हैं जिनकी थोड़ी देर पहले आपको याद होगा कि वीडियो आई थी, एक माइनिंग के ऑफिसर थे सचदेवा जी को इन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी और इन्होंने हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब के खिलाफ भी इन्होंने इल्जामात लगाए थे। और फिर उसके बाद इन्होंने यू टर्न लिया और फिर उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से इन्होंने माफी मांगी और वहां पे जाकर दिल्ली में डॉक्टर साहब ने जो डेफिमेशन का केस किया था वो विड्रॉ किया क्योंकि इन्होंने पब्लिकली माफी मांगी। ये वही विक्रम रंधावा जी हैं जिनका कोई स्टैंड नहीं है, जिनकी कोई इंटेग्रिटी नहीं है। मैं ये बात कहूंगा, ये पहले गालियां निकालते हैं और फिर उसके बाद रिट्रैक्ट करते हैं अपने स्टेटमेंट से। मैं आईजी साहब, तमाम जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से और अपने मुस्लिम समुदाय की तरफ से आपसे गुजारिश करता हूं कि इस हेट स्पीच का संज्ञान लीजिए और इमीडिएटली